राजनीति करे, अच्छी शिक्षा के नाम पर करे। मोदी जी मन से ये कहे कि मैंने देश के अंदर से बेरोजगारी खत्म कर दी तो मैं उनको वोट दूंगा। मोदी जी ये कहे कि मैंने इतनी यूनिवर्सिटी बना दी, देश के अंदर डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट इतना अच्छा कर दिया, तब मैं उनको वोट दूंगा। मोदी जी ये कहे कि देश आज हमारा विश्वगुरु बन गया, आज हमारा देश सुपर पावर बन गया, तब मैं उनको वोट दूंगा। आप मंचों पे से देश के गृहमंत्री और प्रधानमंत्री ऐसे अल्फाज कह रहे हैं, ऐसे बयान कर रहे हैं, हम उनके बयानों की कड़ी निंदा करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4, मैं हूं आपके साथ नफीसा खान। सियासी पारा बढ़ चुका है। दरअसल पीएम मोदी के बयान के बाद विवाद बढ़ता जा रहा है, सत्ता पक्ष घिरता जा रहा है, विपक्ष एक के बाद एक बड़े हमले कर रहा है। लेकिन पहले चरण के बाद दूसरे चरण को लेकर जो सियासत तेज दिख रही है, जो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप दिख रहे हैं, उसके बाद सवाल बनता है कि आखिर चुनाव की दिशा में जा रहा है। बातचीत कर रहे थे मेरे साथ तमाम लोग जुड़ चुके हैं जनता के बीच आज रूप से, और जनता से जान लेते हो कि माहौल क्या है। सर, शुरुआत करते हैं पीएम मोदी के बयान को लेकर। इससे पहले आपने सुना होगा 370 अकेली बीजेपी और 400 गठबंधन। लेकिन मोदी जी का जो बयान है, इसको लेकर इतना विवाद क्यों खड़ा हो रहा है? क्या कह दिया पीएम मोदी ने ऐसा जो इतने आग बबूला हो गए पूरा विपक्ष? देखिए, मोदी जी ने जिस तरीके से कहा कि एक समुदाय, नाम लिया उन्होंने, घुसपैठिया कहा, तमाम तरह तरह की, मैडम देखिए वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें 140 करोड़ जनता ने चुना है, और उनके मुंह से ऐसा बयान शोभा नहीं देता। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, ऐसे बयान तो मैडम कोई राह चलता जो छुटभैया नेता होते हैं, जो गली नुक्कड़ पे बोलते हैं, वो भी ऐसे बयान देने से सोचेंगे? उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस ने एक वर्ग के बारे में सोचा है, मुसलमानों के बारे में सोचा है, जिनके ज्यादा, एक बार बताइए मुसलमान कोई क्या मिला? मुसलमान को जिस तरीके से टारगेट किया जाता है, और सब बातें छोड़िए, भाजपा का 1980 से लेकर आज तक का इतिहास है कि कोई सा ऐसा चुनाव हो आज तक हो ही नहीं सकता जिसमें हिंदू और मुसलमान ना आए, मंदिर मस्जिद ना आए। जिस तरीके से ये गैर जिम्मेदाराना बयान हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया है, इससे साफ बौखलाहट साफ नजर आती है। जिस तरीके से देश की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार मोदी जी आपके अच्छे दिन नहीं, अच्छे दिन हमारे आने वाले हैं, और मोदी जी देश से जाने वाले हैं, इस बार 2014 में मोदी जी नहीं आएंगे। और सुन लीजिए, एक तरफ भाजपा 400 पार का नारा दे रही है, मैडम एक बार बताइए वोट आखिर कौन देगा? हम जनता ही तो है ना, जो जनता जिसे चाहती है, लोकतंत्र में हमारा अधिकार है कि हम वोट देंगे, अच्छी सरकार चुनेंगे। एक बार बताइए, किसान भाजपा के खिलाफ सालों रहे, उनकी मांग पूरी नहीं हुई, पहलवान बेटियां बैठी रहीं, मणिपुर जलता रहा, चाहे इंस्पेक्टर सुबेद कुमार हो, चाहे तरह तरह के बिल हो, जिस तरीके से जो बिल लाए गए उनकी मुखालफत सड़क से लेकर संसद तक हुई, तो इस बार देश की जनता भारतीय जनता पार्टी की इन नीतियों से खिलाफ चलकर वोट करेगी, अच्छी शिक्षा पर चलेगी। संदेश खाली भी याद दिला रहे हैं। देखिए, संदेश खाली, अगर उन्होंने गलत किया उसको सजाओ, मैं गलत का समर्थन नहीं करता, संदेश खाली को कोर्ट में जो उचित दंड हो उसे मिले, ये नहीं हो कि बुलडोजर, या बुलडोजर से देश नहीं चलेगा, देश संविधान से चलेगा। अगर जो अपराधी है उसे कानून में ऐसी सजा मिलनी चाहिए जो मिसाल बने। और सवाल आता है 400 पार का, मैडम अगर 400 पार आती ना, तो जिस तरीके से लोगों को दबाया जा रहा है, जो विपक्षियों को जेल में डाला जा रहा है, जिस तरीके से आप पूरे एक लोकसभा क्षेत्र को कवर कीजिए, वहाँ पर गांवों में जाकर सर्वे कीजिए, जो गांव के प्रधान हैं, जो कारोबारी लोग हैं, जो जिला पंचायत सदस्य हैं, जो विधायक, जो बड़े बड़े लोग हैं, उनको चेयरमैन है नगर पालिका नगर पंचायत के, उनको प्रेशर दिया जा रहा है कि अगर तुम्हारे यहाँ से इतने वोट नहीं मिले तो सोच लेना। जिस तरीके से भाजपा ने डर की राजनीति की है, लोगों में डर का माहौल बनाया, मैडम एक फिल्म देखी होगी आपने, घातक मूवी में उसके पिताजी पता है क्या कहते हैं सनी देओल से, कि बेटे कातिया की मौत समस्या का समाधान नहीं है, समस्या का समाधान लोगों के दिलों में बैठा हुआ कातिया का डर है। तो ये भारतीय जनता पार्टी डर की राजनीति कर रही है, और देश की जनता इनसे अब डरने वाली नहीं है, झुकने वाली नहीं है। इस बार इन्होंने जो हम पर जुल्म किए हैं, जो अत्याचार किए हैं, जो धर्म के नाम पर लड़ाया है, हमारे मूलभूत मुद्दों से भटकाया है, उन सब का इस बार हम हिसाब लेंगे, इस उंगली से लेंगे। 150 पार भी नहीं, 160, वो आपने एक चल रहा है 160, बस भाजपा 160 पर भाजपा सिमट जाएगी मैम, 160 भाजपा का ये वो 160 ही सीट आएंगी, 400 पार अगर आती तो इस तरीके की बौखलाहट नहीं होती। और सुनिए, भाजपा का एक अलग इतिहास रहा है हमेशा, उनके जितने भी नेता होते हैं उन्होंने ऐसे बयानबाजी की है जिससे माहौल खराब हो, कि निजाम से मुक्ति हम बार करेंगे वोट से, मैं उस पर भी आऊंगी। लेकिन उससे पहले पीएम मोदी कह रहे हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति को खत्म करना है, सबका साथ सबका विकास लेकर चल रही है भाजपा, भाजपा कहां बांट रही है लोगों को?
राजनीति करे, अच्छी शिक्षा के नाम पर करे। मोदी जी मन से ये कहे कि मैंने देश के अंदर से बेरोजगारी खत्म कर दी तो मैं उनको वोट दूंगा। मोदी जी ये कहे कि मैंने इतनी यूनिवर्सिटी बना दी, देश के अंदर डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट इतना अच्छा कर दिया, तब मैं उनको वोट दूंगा। मोदी जी ये कहे कि देश आज हमारा विश्वगुरु बन गया, आज हमारा देश सुपर पावर बन गया, तब मैं उनको वोट दूंगा। आप मंचों पे से देश के गृहमंत्री और प्रधानमंत्री ऐसे अल्फाज कह रहे हैं, ऐसे बयान कर रहे हैं, हम उनके बयानों की कड़ी निंदा करते हैं। अगर हम उन्हें कुर्सी पर बिठा सकते हैं तो हम उन्हें इस बार कुर्सी से हटा भी सकते हैं। और जो ये भाजपा वाले हालात, एक जो भाजपा वाले राह पलागते हैं, मैडम सुनिए, एक जो राह पलागते हैं ना कि बीजेपी कांग्रेस ने क्या किया, एक बार बताइए, अगर पिताजी ने जमीन बेची है तो क्या बेटा भी जमीन बेचेगा? अरे भाई, अगर उन्होंने गलत किया है तो हमने आपको अच्छा करने के लिए चुना था, आप अच्छा कीजिए। आप तो ये कहते तो नहीं, कांग्रेस ने किया था। अरे भाई, कांग्रेस ने गलत किया था, आज विपक्ष में बैठी है, आपने भी गलत किया तो आप भी विपक्ष में बैठोगे, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? कुछ लोगों ने एक नीति बना रखी है, कुछ लोगों की एक थिंकिंग है कि मोदी जी देश है, भाजपा देश है, अगर मोदी जी की कोई गलत नीति का विरोध करो देशद्रोही, ये पाकिस्तानी, ये जिहादी, अगर कोई भाजपा को गलत करे, उनके कार्यों गलत वर्णन करे, ये देशद्रोही है, जय श्री राम। मैडम, इस तरीके से काम नहीं चलेगा। जय श्री राम, जय श्री, सुनिए मैडम, सुनो, जय श्री राम का मतलब पता क्या होता था? जय श्री राम, राम राम जी, राम राम जी, ये अहंकार, ये कौन सा जय श्री राम, ये क्या है? ये मैडम जो नफरत 10 सालों से भरी है लोगों के जहन में, जो लोगों के जहन में भरी है, वही नफरत आज लोगों के दिमाग, दिल से निकलकर दिमाग पर पहुंच गई और देश आगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग, मैडम मैं पूरी आपके चैनल के माध्यम से ऑन कैमरा कह रहा हूँ, पूरे चैनल, पूरे देश की भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं से मेरा एक सवाल है, ये बताइए, जो आनंद हेगड़े जो भाजपा का सांसद है, उसने एक बयान दिया कि हम संविधान खत्म करेंगे, ठीक है। दूसरा बयान, दूसरी चीज पर आ जाइए, जो कंगना रनावत कहती थी कि देश में आजादी 2014 के बाद आई है, उसने शहीदों का अपमान किया, उसको भाजपा ने टिकट दे दिया और उसे भाजपा ने मंडी से टिकट दे दिया। तो ये मेरे देश की आवाम को सोचना होगा, इस बार वोट जो करे अपने घर से निकलकर मूलभूत मुद्दों पर करे। मैडम, बीजेपी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की बात कर रही है, तीसरी अर्थव्यवस्था बना देंगे अगर बीजेपी आती है, विकसित भारत की बात कर रही है, परिवारवाद को खत्म करने की बात कर रही है, भ्रष्टाचार को मिटाने की बात कर रही है, मुद्दे तो बीजेपी भी गिनवा रही है, उन पर क्यों नहीं ध्यान दे रहे आप? अच्छा मैडम, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे जो इलेक्ट्रल बोल्ड हुआ है, इसका क्या मामला चलेगा? परिवारवाद की बात आ जाए तो बहुत लंबी फहरिस्त है, सुमित्रा महाजन, पूनम महाजन, साहिब सिंह वर्मा, प्रवेश सिंह वर्मा, धूमिल, उनके बेटे अनुराग ठाकुर, राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह, और एक बात बताइए, सबसे बड़ी बात, अमित शाह जी को चलो जनता ने चुना है तो जय शाह को कौन सा वर्ल्ड कप जीत के लाए थे? पापा, जैसा ने वर्ल्ड कप जिता दिया क्या? उनको बीसीसीआई का सचिव क्यों बना दिए? अरे बनाना था भाई, देश में बड़े बड़े महान खिलाड़ी थे, सचिन तेंदुलकर थे, सौरभ गांगुली थे, महेंद्र सिंह धोनी है, विराट कोहली है, ऐसे ऐसे जो देश के लिए जिन्होंने किया है, उन लोगों को बनाना चाहिए था, उसे क्यों बना दिया? जो ये परिवारवाद का आलाप लागते हैं ना, जैसा की काबिलियत पूछिए क्या है, कितने छक्के मारे हैं उन्होंने, कितने विकेट लिए हैं, कितने मैच जिताए हैं? मैं भूल गया, जो 2011 का वर्ल्ड कप जिताया था ना, उसमें जो एक ओवर में 40 रन मारे थे मैडम, वो जैसा नहीं मारे थे। हम 83 के बाद 2011 में जो वर्ल्ड कप जिताया था, वो हमें जैसा ने जिताया था। तो ये लोगों को सोचना होगा, जो लोगों को गुमराह कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने और उसके आईटी सेल ने, तो मैडम उन्हें सोचना होगा, जो वादे हुए थे, तो जो वादे हुए थे कि अच्छे दिन आएंगे, 15-15 लाख मिलेंगे, 15-15 लाख मिलेंगे, बेरोजगारी कम हो जाएगी, महंगाई कम हो जाएगी, और जो, अरे चाचा सुनिए, अरे रुको, सीने आ गए आपको, क्या है यही हाल विपक्ष का? देखिए सुनिए मैडम, यही हाल विपक्ष का होने वाला 24। मैडम सुनिए, हम सुनो, पसीने पे आता हूँ मैं, हम पसीने पे आते हैं, पसीने पे आते हैं भैया, पसीने पे आते हैं, अरे पसीने, मैं तो सुनो, मैं किसान परिवार का हूँ, सुनिए, मैं किसान परिवार का हूँ, सुनो, पसीने पे आता हूँ, मैं किसान परिवार का हूँ, एक मेहनत का शू, एक मिनट रुकेगा, बीजेपी आप माहौल नहीं खराब कर सकते, आप माहौल नहीं खराब कर सकते, शांत होइएगा पहले, ऐसी बात नहीं होती, आपको बात करनी, आप आइए, जवाब दीजिएगा, इधर आइएगा, पकड़े नहीं, सुनिए, आप भी क्या सवाल लिया है, मैंने जवाब
मुकाबले लेती हूँ। वो कह रहे हैं कि आपके पसीने छूट चुके हैं और यही हाल विपक्ष का होने वाला। अरे पसीने मेहनत करने वाले। देखिए सुनो मैं किसान का बेटा हूँ, मैं एक किसान का बेटा हूँ, मैं अपने खेत में ट्रैक्टर भी चलाता हूँ, मैं अपनी खेत की सिंचाई भी करता हूँ, तो मुझे पसीना आता है। मैं किसान परिवार का हूँ, मेरे पसीने नहीं छूटे, जो देश की सच्चाई है। देखिए सच किन्हें कड़वा लगता है, इन लोगों को तो सच कड़वा नहीं लगा, इन्हें सच कड़वा लगता है क्योंकि ये मोदी जी के पापा बार रुकवादी। इन्हें उनको काम पसंद है मोदी जी का। वो क्या देखी पिछले 10 सालों में जो विकास हुआ वो 70 साल में नहीं। ये मोदी जी के भक्त है। बताइए सुनिए इनका इन्हें पता है किस चीज में खुशी मिलती है। देखिए रेल बिक गया, अरे सुनिए भैया रुको, रेल बिक गया, भेल बिक गया, हवाई अड्डा बिक गया, और ये सामने कैमरा करो लाल किला भी प्राइवेट हो गया। रेल बिक गया, तेल बिक गया, भेल बिक गया, हवाई अड्डे बिक गए, ठीक है, और जो सारा कुछ बेच दो और जो कोई विरोध करे तो उठा को CBI ED उसके पीछे लगा के उसको जेल में भेज दो। ये इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों की नीति है मैडम। ये है